हेलो दोस्तों, दिन दुनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे रणथंभौर के किले के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर शहर के पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बना हुआ है। भारत को आज़ादी मिलने तक ये पार्क जयपुर के महाराजाओं का शिकारगाह होता था। ये एक दुर्गीय किला है जो राजस्थान के ऐतिहासिक विकास का केंद्र बिंदु रहा है। कहा जाता है कि इस किले को चौहानों ने बनवाया था, लेकिन 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस पर कब्जा कर लिया था। इन दिनों ये किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लाखों पर्यटक किले में बने मंदिरों के दर्शन करते हैं। बता दें कि रणथंभौर किले के अंदर लाल करोली पत्थर से 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित गणेश, शिव और राम जी को समर्पित 3 हिंदू मंदिर है। यहाँ भगवान सुमतिनाथ, 5वें जैन तीर्थकर और भगवान संभवनाथ का एक जैन मंदिर भी बना हुआ है। इन मंदिरों में टाइगर लेपर्ड भी इन मंदिरों के आसपास कभी कभार घूमते हुए दिख जाते हैं। साल 2013 में विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 किलों के साथ रणथंभौर किले को राजस्थान के पहाड़ी किले समूह के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बताया जाता है कि किले का नाम पहले रणस्तंभ या रणस्तंभपुरा था। यह 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल के दौरान जैन धर्म से जुड़ा था। 12वीं शताब्दी में रहने वाले सिद्धसेन सूरी ने इस स्थान को पवित्र जैन तीर्थों को सूची में शामिल किया था। वहीं मुगल काल में किले में मल्लीनाथ का एक मंदिर बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ये किला घोर के मुस्लिम घुरिद शासक मोहम्मद ने लिया था। उसके बाद दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन चौहानों ने 1236 में उनकी मृत्यु के बाद इसे वापस ले लिया था। इसके बाद भविष्य के सुल्तान बलबल ने नेतृत्व में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की सेनाओं ने 1248 और 1253 में किले पर हमला किया था, लेकिन 1259 में जैत्र सिंह चौहान इस पर कब्जा कर लिया था। शक्तिदेव सिंह ने 1283 में जैत्र सिंह की जगह ली और रणथंभौर पर फिर से कब्जा कर लिया और राज्य का विस्तार किया। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290-91 में किले को कुछ समय के लिए घेर लिया था, लेकिन वो इस पर कब्जा करने में असफल रहे। 1299 में ये हमदेव ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के एक विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को आश्रय दिया और उसे सुल्तान को सौंपने से इनकार कर दिया। सुल्तान ने 1301 में किले को घेर लिया और वह जीत गया। धन्यवाद।